फ्रेंड्स, वेलकम टू नट्स अबाउट वॉलनट्स विद मी शेफ शिप्रा खन्ना एंड कैलिफोर्निया वॉलनट्स। विद दिवाली राउंड द कॉर्नर, ऑल ऑफ अस अक्रॉस द ग्लोब आर लुकिंग फॉर डिजर्ट रेसिपीज। मिठाई, हलवा, लड्डू, बर्फी, व्हाटएवर इट मे बी। This season, friends, I'm going to let you in a little secret. How I'm going to be adding a little spin to our regular mithai with California walnuts. Hi, friends. Welcome to Nuts About Walnuts with me, Chef Shipra Khanna, where I'm making some amazing, healthy and delicious recipes for you. And the recipe I'm going to make now, its name is walnut halwa. Mouth mein pani aa gaya, right? It's really delicious. I learned it from my mother and I'm going to make it for you. तो सबसे पहले हम डालेंगे घी और इसको मेल्ट होने देंगे पैन में। हम में से किसको मीठा खाना पसंद नहीं है? आई लव मिठाई एंड वॉलनट और मिठाई का एक बहुत ही अच्छा तालमेल है। इट्स अ परफेक्ट मैरिज। इट गोज सो वेल बिकॉज कैलिफोर्निया वॉलनट्स बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग कंडीशंस आर रियली माइल्ड एंड स्वीट। तो डिजर्ट्स में मीठा भी कम डलेगा और हेल्थ भी बहुत मिलेगी बिकॉज इट्स लोडेड विद ओमेगा 3 एंड फाइबर एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन व्हिच मेक्स दीज नट्स रियली रियली हेल्दी एंड आई लव वर्किंग विद देम बिकॉज नॉर्मल डिशेस को भी ये एकदम सुपर हेल्दी बना देता है। तो अब घी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये वॉलनट्स। तो अगर आप देखेंगे, मैंने वॉलनट्स को कुछ हाथ से तोड़ दिया है और कुछ को मैंने ग्राइंड कर दिया है, बट आई वॉन्ट टू कीप इट कॉस्ट बिकॉज एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा, रिचनेस मिलेगी एंड ऑफ कोर्स माइल्ड स्वीटनेस मिलेगी ये वॉलनट हलवे को वॉलनट्स के साथ। हियर यू गो। वंस यू फ्राई दीज वॉलनट्स इन घी, स्मेल सो अमेजिंग। हियर वी आर। इसको हम भूनेंगे और जो रिचनेस हमें मिलती है इस हलवे से, और ऑफ कोर्स नाउ दिस हलवा सिंस वी आर मेकिंग, इट्स रियली रियली सुपर हेल्दी विद द सुपर नट, राइट? तो हम इसको बहुत वैरायटी ऑफ वेज में बना सकते हैं। इफ वी इंक्लूड वॉलनट्स इन आवर डेली डाइट, आवर एवरी डे इज गोइंग टू बी सुपर हेल्दी बिकॉज ऑफ दीज सुपर नट्स। अब मैं फ्राई करने के बाद सेंटर में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ और उसमें डालूंगी ये गेहूं का आटा, जस्ट अ लिटिल बिट। इट विल गिव अ नाइस बॉडी टू द हलवा। इसको हमें भूनना है। You can roast it with the nuts as well. आप सेंटर से कंबाइन करते हुए वॉलनट्स के साथ इसको भून सकते हैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए, जब तक जो घी है वो बाहर नहीं आ रहा। अगर आपको अपने डेली खाने को हेल्दी बनाना है तो बहुत सिंपल है, जस्ट एड अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स टू एवरी मील। थोड़ा इसको कलर देना चाहती हूँ मैं, सो आई विल बी वेरी केयरफुल at this stage because मैं चाहती नहीं कि walnuts और आटा कुछ भी जल जाए, so just be careful. Wow, I can smell it. Now this is a very important time. इस time पे मैं डाल रही हूँ ये गुड़ का बूरा। इसको मैं melt कर लूँगी अच्छे से और साथ ही में मैं add कर रही हूँ ये सिंपल सिरप यानी कि चाशनी। लुक एट दैट, लुक एट द कलर। आई विश यू कुड स्मेल दिस, इट्स सो 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 अमेजिंग। वाओ। इसको हमें कुक करना है बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट के लिए, जब तक कि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो कंबाइन नहीं हो जाते। एंड इट्स लोडेड विद फ्लेवर्स, बिलीव इट ऑर नॉट। ये देखिए, लुक एट दैट। तो चलिए अब इसे ट्रांसफर करते हैं प्लेटिंग डिश में। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ ये रोज पेटल्स के साथ।
अगर दिवाली में आप इतनी हेल्दी डिजर्ट बनाएंगे तो सब लोग खाते रह जाएंगे. ऑफ कोर्स देयर इज नो रीजन टू अवॉइड मिठाई ऑन दिवाली बिकॉज़ अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स आर गुड फॉर एवरीबॉडी.